वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और आज आपको एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में जैसे कि आज अपडेट मिला है और एक फर्स्ट अपडेट है जैसे कि फ़ोन लॉन्च होने के बाद, तो इस अपडेट में क्या चेंज लॉक हुए हैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको कैमरा के अंदर फ्रंट कैमरा में आपको अभी पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बैक कैमरा में आपको बताऊँगा। और जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि बैक कैमरा में आपको पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट मिलता है। तो इसके बाद आपको जैसे कि सिक्योरिटी पैच अपडेट बताऊंगा इसके अंदर क्या मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, और जैसे कि आपको यहाँ पे अबाउट डिवाइस, और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट है यहाँ पे 1 अक्टूबर का है। तो इसको जैसे कि मैं अपडेट करके आपको बताऊंगा इसके अंदर नेक्स्ट क्या मिलेगा। और इसके अंदर जैसे कि आपको सम लैग्स है, जैसे कि रिसेंट ऐप ओपन करने के बाद आज जो आपका रिसेंट ऐप है वो नहीं बताता है, तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मैं अभी अपडेट करके आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या चेंज लॉक होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू वर्जन का नेम है जैसे कि 15 2016 18 11 और वहाँ पे .177 जैसे कि ये अपडेट आपको मिलता है। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो अपडेट करके आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या चेंजेस मिलता है। और जैसे कि देख सकते हो अपडेट हो चुका है, तो मैं आपको इसके अंदर क्या क्या चेंजेस मिलता है बताऊँगा। और जैसे कि देख सकते हो अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो जो वर्जन है आपको यहाँ पे दिखता है और जो कि वर्जन आया था 2018-12-21 का। तो मुझे अपडेट आज मिला है, तो मैंने आज आपको इसको अपडेट कर लिया हो। और यहाँ पे आपको जो कि सिक्योरिटी पैच इसके अंदर क्या मिलता है वो बताऊँगा। और यहाँ पर देख सकते हो कैमरा के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, फ्रंट कैमरा में आपको भी जैसे कि पोर्ट्रेट शॉट आप ले सकते हो फ्रंट कैमरा में। और यहाँ पे आपको बताऊंगा एक फ्रंट कैमरा से फोटो लेके, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि फ्रंट कैमरा से मैंने एक फोटो लिया है। देख सकते हो जो बैकग्राउंड ब्लर है वो अच्छी तरीके से हुआ है और जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मुझे पोर्ट्रेट शॉट इसके अंदर आप ले सकते हो फ्रंट कैमरा से, और फ्रंट कैमरा में आपको EIS का भी सपोर्ट मिलता है, तो आप EIS का सपोर्ट भी आप फ्रंट कैमरा में मिलता है। और यहाँ पे आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज स्टेबलाइजेशन, जैसे कि फ्रंट कैमरा में आपको EIS का सपोर्ट भी मिलता है। तो कैमरा में आपको पोर्ट्रेट जैसे कि सेल्फी आप ले सकते हो, जैसे कि फ्रंट कैमरा में वो एक सॉल्व कर दिया गया है। और उसके बाद आपको जो सिक्योरिटी पैच है वो भी बताऊंगा इसके अंदर क्या मिलता है। तो इसके लिए आपको अबाउट फोन, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नवंबर का सिक्योरिटी पैच इसके अंदर आपको मिलता है। तो बैटरी बैकअप में भी आपको जो है मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आपको ये अपडेट के बारे में था, जैसे कि आपको फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट शॉट आप ले सकते हो क्या नहीं। जो एंड्रॉयड वर्जन है वो एंड्रॉयड वर्जन सेम बता रहा है जैसे कि 8.1, तो एंड्रॉयड वर्जन में आपको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है। जो कि आप अभी इसके अंदर चेंजेस देख सकते हो वो है पोर्ट्रेट सेल्फी, जो कि आपको फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता था पहले, अभी आप इसके अंदर मिलता है। और सेटिंग्स के अंदर जो है एक सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर अगर आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो के M2 के बारे में आपको कुछ भी रिलेटेड वीडियोस होना, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं उसके बारे में वीडियोस डेफिनेटली बना के बताऊंगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।